मैं सब इसलिए हो रहा है कि हमने लाइफ में डिसिप्लिन को ऐड नहीं किया हुआ। जिन बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है उनकी हो रही है, कॉमी मसला है थोड़ा सा। तो अगर आप लाइफ को डिसिप्लिन में लें तो मिसाल के तौर पर आपने देखे कि बच्चे स्कूल में कितने घंटे जाते थे, आप उतने घंटों को कैसे उनके लिए मैनेज करते हैं। मुझे स्कूल से कुछ शिकायत थी, उन शिकायत को मैंने सोचा कि इस टाइम में पूरा कर दिया जाए। वैसे मेरे बच्चों का स्कूल पब्लिक स्पीकिंग पे तवज्जो नहीं देता, मैं चूंकि खुद एक पब्लिक स्पीकर हूँ मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा है। अब मैंने बच्चों को कैमरा लेके दे दिया, सारा कुछ लेके दे दिया, रोज एक स्पीच खुद लिखो, कैमरे में रिकॉर्ड करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखो, आवाज़ का उतार चढ़ाव देखो। मैं जो चीज़ें ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को आज में कराटे की क्लास करवा रहा हूँ, वेरी गुड, मैं अपने बच्चों को आज में फायरिंग सिखा रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आए, टाइम ही नहीं मिलता। अब मैंने उस टाइम को प्रोडक्टिव करना शुरू कर दिया है। तो हर पेरेंट जो है अपने बच्चे में जो चीजें ऐड करना चाहता है, जो स्कूल ऐड नहीं कर रहा था, वो आप कर सकते हैं ना। दिस इज द टाइम। पहले तो हमेशा हम असातिज़ा से कंप्लेनिंग किया कि देख रहे हैं टीचर्स और ये, अब आपको मौका मिला है तो अब जो कंप्लेन आपको उनसे है अब आपको कमी खुद पूरी कर सकते हैं। दूसरी बात ये की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साइंस और मैथ नहीं आते। मैं इसकी रीजन भी बता देता हूँ। मैं एक सेशन कर रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि सर आपने कितनी किताबें लिखी, आपने कराटे में इतने गोल्ड मेडल लिए, सारी लिस्ट बनवाई, तो आपने इतना सारा कुछ कैसे कर लिया। मैंने कहा क्योंकि मैंने एफएससी नहीं की थी। उन्होंने पूछा इसके एफएससी करने से क्या ताल्लुक है। मैंने कहा जो एफएससी करते हैं वो कुछ और नहीं कर सकते। उन्हें 24 घंटे में से 28 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सारी चीजें में किया। तो बात करिए और तरफ चली गई। तो चूंकि मुझे वो नहीं आते, मगर मुझे उर्दू इंग्लिश इस तरह की चीजों का तारीख का पता है, तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि आप ये इनके अंदर आए। मैंने कहा कि ये 6 हफ्ते या 2 महीने में आप अपने अपनी क्लास से 6 महीने आगे निकलना। अच्छा, मतलब इन्हें फोकस कर लो आप। इसी तरीके से मुख्तलिफ पेरेंट्स हैं, आपकी अपने खास स्पेशलिटी है, आपकी अपनी है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चे को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो टाइम को मिस यूज करते हैं या यूज करते हैं।